हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम क्या आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि बीजेट 6 की बाइकें बंद, इसका मतलब क्या है और मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाने के लिए। 1 अप्रैल 2023 से BS6 की न्यू नाम्स की बाइकें आएंगी जिसका नाम होगा BS6 फेज 2। और इसमें टेक्नोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन किया जाएगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी में 2-3 परिवर्तन किया गया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें होगा RDL मतलब RDT रियल ड्राइविंग टेस्ट, SCRA और LNT और OBD2 का टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अब ये क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, वीडियो में हम आगे इसको देखेंगे। बहुत लोग को BS6 के बारे में या BS के बारे में पता नहीं होगा, तो BS क्या होता है, तो BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज। भारत स्टेज का मतलब क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नई नई अपडेट रेगुलर लाती रहती है, इसे हम BS बोलते हैं। जैसे BS4, BS6, BS3 ऐसे करके लाती रहती है। तो BS6 जो था वो 1 अप्रैल 2020 को लागू किया गया था और उसके बाद 1 अप्रैल 2023 को इसमें BS6 में ही नया अपडेट किया जा रहा है जिसे हम BS6 फेज 2 बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं RDT क्या होता है, रियल टेस्ट ड्राइव क्या होता है और इसको क्यों दिया गया है BS6 फेज 2 के गाड़ियों में। तो RDT का मतलब होता है रियल टेस्ट ड्राइव, मतलब जब आप ड्राइव करते रहेंगे, मतलब जिस टाइम आप ड्राइव करेंगे उस समय आपकी गाड़ी की टेस्टिंग होगी। ये कैसे होगी और क्यों किया जा रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे BS6 फेज 2 की पहले की जो भी गाड़ियाँ आती थी उसमें कंपनी जो होती थी वो अपने कंपनी में ही उसको टेस्ट करती थी। टेस्ट मतलब क्या होता है, इसमें गाड़ी में जो भी प्रदूषित गैसें निकलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी निकलती हैं, इसको कंपनी में ही टेस्ट करके उसको गवर्नमेंट से वेरीफाई करके मार्केट में उतारते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कंपनी में भी टेस्ट करना पड़ेगा और उसको रियल टेस्ट भी करना पड़ेगा। रियल टेस्ट कैसे होगा, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी और टेक्नोलॉजी ये रहेगी कि जब आप गाड़ी चलाते रहेंगे तो उस समय गाड़ी जो भी हार्मफुल गैस निकलती है उसको मेजर करेगी, मतलब मापेगी। और जब BS6 फेज 2 के मानक से अधिक हो जाएगा, जैसे मानिए कार्बन मोनोऑक्साइड आप अधिक निकल रहा है आपकी गाड़ी से, तो अलार्म आएगा। अलार्म कैसे आएगी, तो अलार्म इस प्रकार से आएगी कि जैसे आपकी गाड़ी है उसमें डैशबोर्ड लगा रहता है या स्पीडोमीटर लगा रहता है, जैसे 4-व्हीलर रहता है तो उसमें डैशबोर्ड रहता है, 2-व्हीलर रहता है उसमें स्पीडोमीटर रहता है, तो वहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और उसमें वहाँ पर कोई अलार्म फिट किया जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी BS6 फेज 2 नाम से अधिक उत्सर्जित करेगी कोई भी गैसेज, तो वहाँ पर आपको अलार्म आएगी। अलार्म से आपको पता चल जाएगी कि आपकी गाड़ी में कुछ कमी है, तो आप उसको सर्विस करा सकते हैं और सर्विस सेंटर में जाकर उसको आप सही भी करा सकते हैं, या कंपनी के सर्विस सेंटर में जाइए, आप बताइए कि ऐसी हो रही है तो उसको भी सही करके कंपनी के सर्विस सेंटर से आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि BS6 के नियम में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो दिन पर दिन BS के नियमों को कड़े करती जा रही है जिससे ऑटोमोबाइल कंपनियों को बहुत सारी परेशानियाँ झेलने को पड़ रही है। अब इसमें क्या हुआ है और इसमें टेक्नोलॉजी क्या चेंज हुई इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गवर्नमेंट के अनुसार इसमें 2 टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी है SCR मतलब सेलेक्टिव कैटलेटिक रिडक्शन और LNT लीन नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्रैप। अब ये क्या होता है और इसका काम क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी जो है वो फ्यूल से रिलेटेड है और फ्यूल की इफिशियंसी को बढ़ाएंगे। मतलब इसका क्या है, तो जो भी अब इंजन में फ्यूल का दहन होता है, कम्बक्शन होता है, वो पहले थोड़ी सी कम होती थी, अब इन टेक्नोलॉजी के यूज करने से जो कम्बक्शन होगा, दहन होगा फ्यूल का, वो और अच्छे से होगा, जिससे जो भी हार्मफुल गैसेज निकलती है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो भी हार्मफुल गैसेज निकलती थी एग्जॉस्ट से, वो अब पिछले BS6 के अपेक्षा थोड़ी सी कम हो जाएंगी BS6 फेज 2 में। तो इसलिए इन टेक्नोलॉजी को यूज करना किस हर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए जरूरी होगी। अब हम बात करते हैं OBD। OBD क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में। तो OBD का फुल फॉर्म होता है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स। और अभी तक हमने BS6 में OBD1 का यूज कर रहे थे, लेकिन BS6 फेज 2 में OBD2 का यूज होगा और यही चेंजेज जो OBD में OBD1 से OBD2 में कन्वर्ट होगा। अब हम बात करते हैं SDD सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस। ये क्या होता है, तो रियल टाइम ड्राइविंग में जब हम गाड़ी चलाते रहेंगे उस टाइम ये एग्जॉस्ट से कितनी मात्रा में हार्मफुल गैसें निकलेंगी इसको मेंटेन करेगी। मतलब BS6 फेज 2 के अनुसार ये SDD जो होता है सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस जो है वो हार्मफुल गैसेज को मैनेज करेंगे। अगर हार्मफुल गैसेज
मानक के अनुसार अधिक निकलेंगी तो एक अलार्म देगा डैशबोर्ड या स्पीडोमीटर के पास, अलार्म जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी आपकी जो गाड़ी है वो मानक के अनुसार अधिक हार्मफुल गैसेस उत्सर्जित कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल BS6 में होती थी, BS6 के पहले फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल नहीं होता था। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या फ्यूल इंजेक्टर में भी कोई चेंजेज आ रही हैं या नहीं। तो फ्यूल इंजेक्टर में थोड़ी सी चेंज आ रही है, उसमें क्या है तो प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया है। अब ये फ्यूल इंजेक्टर क्या काम करेगा, तो ये इंजन के पैरामीटर को अनुसार अपने आप को मैनेज करेगा। तो इसमें इंजन का पैरामीटर क्या होगा, तो जैसे चार्ज का टेम्परेचर, चार्ज मतलब क्या होता है, फ्यूल और एयर का जो मिक्सर होता है उसको हम चार्ज बोलते हैं, उसके टेम्परेचर या इंजन का टेम्परेचर या थ्रोटल जो होता है, थ्रोटल के अनुसार अपने आप को ये मैनेज करेगा। और इसमें प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो BS6 की जो इंजेक्टर होती थी पुरानी वाली, उससे थोड़ी सी अपडेट करके इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया गया है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अपना मेन पॉइंट क्या है, तो प्राइस। सबके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसमें डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी की यूज़ किया जा रहा है, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है तो प्राइस तो बढ़ेगा ही, लेकिन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ना चाहिए आपके अनुसार, आप भी कमेंट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को देखकर कि मतलब कितनी टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, इसके अनुसार कितनी प्राइस को बढ़ानी चाहिए। और बढ़ानी चाहिए तो आप अपने अनुसार अपने कमेंट में वीडियो के नीचे आप जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपके अनुसार क्या लगता है। मेरे अनुसार तो यही लगता है कि 20-30% हर गाड़ी की प्राइस में इंक्रीज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगे। और आपके पास कौन सी बाइक है, BS3 है, BS4 है या BS6 है, आप कमेंट में बताएं कि आपके पास कौन सी बाइक है। थैंक यू।